सब लोग अपनी अपनी दोबारा से स्कैन करेंगे असेंबलेज पॉइंट। आप सब लोग पहले अपने हाथों को सेंसिटिव कीजिए, रब योर हैंड, ठीक है। मैं ये बंद कर रही हूँ। ओपन योर विंडो सो दैट आई कैन सी। आप लोग सब ठीक करें, रब योर हैंड्स, प्रेस द सेंटर ऑफ योर पाम एंड द फिंगर टिप्स, एक्टिवेट योर एनर्जी पॉइंट्स, प्रेस कीजिए, एक्टिवेट कीजिए, एक्टिवेट हो गया। सबसे पहले आप अपने हाथों के बीच में देखिए, इज देयर एनी एनर्जी बिटवीन योर हैंड्स, यू कैन फील द एनर्जी बिटवीन योर हैंड्स, राइट? फील हो रही है इजीली सबको? ओके, हुई? हेलो अनीता जी, वेलकम मैम, कैसे हो आप? चलो, सबको एनर्जी फील हुई? ठीक है, हुई सबको? किसको नहीं हुई है बताइए, रेज योर हैंड्स, किसको नहीं हुई? संगीता जी, दोबारा आप अपने सेंसिटिव कीजिए, हैंड सेंसिटिव कीजिए, रब कीजिए अच्छे से, ठीक है। मूव कीजिए अपने हाथों को, जिसको फील नहीं हुई मूव कीजिए, ठीक है। संगीता जी, नाउ धीरे धीरे अपने हाथों को थोड़ा सा दूर लेके जाइए, फिर धीरे धीरे पास लाइए एंड ट्राई टू सी इफ देयर इज समथिंग बिटवीन योर हैंड्स। धीरे धीरे लाइएगा, जस्ट फील द सेंसेशंस। आपको एक बॉल ऑफ एनर्जी फील होगी अपने हाथों के बीच में। बहुत धीरे धीरे लाइए, इतनी जल्दी नहीं, बहुत धीरे धीरे लाइए मैम। मैम, कैन इट बी सो बिग? यस इट कैन बी, जितनी आपकी एनर्जी होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। आई संगीता जी, कुछ रेजिस्टेंस आया दोनों हाथों के बीच में? That is the energy. और जितना resistance feel होगा ना, वो ball बढ़ती रहेगी, बड़ी होती रहेगी। हम किसी चीज को जितना compress करते हैं, वो एकदम से बाहर जाती है ना, जितना compress करोगे वो एकदम से बाहर जाएगी। ऐसे ही आपकी energy भी देखो bounce करेगी, ये देखो आप bounce करते करते फिर वो बड़ी हो जाती है, ठीक है। सबके आ गई? Good. Yes, very good. अब क्योंकि अब आपके हाथ sensitive हो गए, now you will scan. सबसे पहले mind में ये वो image ले आओ, योर एपी पॉइंट, असेंबलेज पॉइंट लिया है, इंटेंशन ऑफ असेंबलेज पॉइंट। नाउ स्कैन, अब आप अपने पूरे आगे फ्रंट से स्कैन करेंगे, वेयर इज योर असेंबलेज पॉइंट। आप स्कैन करेंगे धीरे धीरे ना, अपनी पूरी आगे फ्रंट चेस्ट में स्कैन करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपका असेंबलेज पॉइंट, आपकी ना हाथ में रेजिस्टेंस आएगा, आपका हाथ वहीं रुक जाएगा और आपको कुछ फील होने लगेगा। आप जैसे उस पॉइंट पे आएंगे ना, थोड़ा सा आपको इमोशनल फील। हाँ जी वर्तिका जी, मैं ये बोल रही थी क्योंकि हम ऑरा के फील्ड में होते हैं, तो ऑरा भी हमारे अंदर रेजिस्टेंस पैदा करता है, तो हाउ टू डिफरेंशिएट? मैंने आपको बोला कि अपने माइंड में उसका आप पहले व्यू कर लीजिए। आप सिर्फ आप ऑरा स्कैन नहीं कर रहे, आप ऑरा भी कब स्कैन कर पाते? सबसे पहले हमारी इंटेंशन होती है ना ऑरा स्कैन कर, हमारी इंटेंशन सिर्फ एपी पॉइंट को स्कैन करने, ठीक है। मैडम क्रिस्टल निकाल दे, कहाँ है सर आप, मुझे दिख नहीं रहे कहाँ गए आप। क्रिस्टल जो पहना है वो निकाल दे। हाँ निकाल दीजिए सर, क्रिस्टल निकाल प्लीज, सबने जिसने भी जो क्रिस्टल पहना है सब निकाल दीजिए, वो इंटरफेयर करेगा। वो मेरे को इंटरफियर हुआ इसके लिए मैंने सर, इतनी हेल्प करते हैं ना सर, आप हमारी इतनी हेल्प करते हैं, थैंक यू सो मच। चलिए मैम, जैसे मैम रुद्राक्ष या पहना है निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। जानवी जी बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बताइए। मैंने आपको प्रोग्राम करके ही दिया है, लेकिन वो क्योंकि आपके पास गया है, आपकी एनर्जी है, तो एक बार आप भी प्रोग्राम कर लीजिए उसे, है ना। सिट विद इट, उसके साथ थोड़ी मेडिटेशन कीजिए, उसको हाथ से फील कीजिए। ओके, और मैम इसको भी निकाल दूं तो पूरा चेन खोलनी पड़ती है मैम, जैसे बुखराज निकाल दीजिए। मैम निकाल दीजिए, अभी जो क्रिस्टल के अंदर ना सब निकाल दीजिए। मैम जेमस्टोन्स पहने हैं वो भी निकाल दें, जैसे बुखराज है कोई, वैसे ना एक बार अभी निकाल दीजिए, आपको एनर्जी फील होगी तब। ठीक ठीक, आप खुद अपना पर्सनल फील करना चाहते हैं ना, उसको एकदम शिद्दत से कीजिए, जो जेम्स वगैरह सब निकाल दीजिए। मैम हर सब है ना, वो भी करना है छोटा छोटा
नहीं नहीं छोटा छोटा रहने दीजिए, जो बड़ा जो जिसकी एनर्जी होती है ना, जैसे हम जेम्स पहनते हैं उसकी एनर्जी, क्रिस्टल्स बड़े होते हैं थोड़े वो पहनते हैं उसकी एनर्जी, वो चीज निकालनी है। मरकबा मरकबा तो अभी आपके साइड में रखा हुआ होगा ना? नहीं अभी आया मुझे दोनों। अच्छा अच्छा आप अभी मरकबा अभी रखिए, अभी कुछ नहीं करना मरकबा से, ठीक है? हाँ मैम एक क्वेश्चन था। हाँ मैं आज फर्स्ट टाइम कर रही हूँ जी, तो समझने के लिए मैम हमने पहले अपने ऑरा पे हमने पहले सोचा कि एपी पॉइंट कहाँ पर है पूरे बॉडी में, ठीक है? और फिर उसको मैंने जैसे ही हाथ लेकर आई तो मुझे रियलाइज हुआ कि लेफ्ट साइड पे आ रहा है मेरा हार्ट, मतलब हार्ट के ऊपर मैम हमको स्कैन करना है इसको? हाँ चाहे आपका देखो कहीं भी आ सकता है, हार्ट के ऊपर नीचे हार्ट पर कहीं पे भी आ सकता है, आपका लेफ्ट साइड पे आ रहा है। मुझे एक पॉइंट जैसा मुझे दिख रहा है वो, हाँ, ठीक है। हार्ट से लेफ्ट साइड पे मुझे दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है आपका सही आ रहा है, मतलब मिडल से हार्ट साइड पे मुझे दिख रहा है। अब देखो मैं आपके एपी पॉइंट को मैं थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ तो आपको कुछ फील हो रहा है इमोशनली थोड़ा सा? और देखो पीछे कहाँ जा, कमर पे कहाँ आ रहा है आपका वो पॉइंट, कहाँ निकल रहा है, कहाँ टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, कहीं कुछ प्रेसिंग मूवमेंट हो रही है? पीछे मिडल में लग रहा है थोड़ा, बैक साइड। ठीक है तो अगर आपका भी लेफ्ट साइड में है तो थोड़ा ध्यान रखिए, है ना, एनर्जी आपकी लो रहती होगी अभी फिलहाल। यस हेलुसिनेशंस में ज्यादा रहते, सोचते ज्यादा रहते हैं, सपने ज्यादा दिखते होंगे, है ना, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती होंगी। हाँ तो ये है, कोई बात नहीं, सबका सब अपना लोकेट। हाँ जी वर्तिका जी अपना लोकेट करिए। इस जगह पर लेफ्ट पे, लेफ्ट साइड पे यहाँ पर मैं, है ना, पेन। हाँ करते करते मेरे को पेन यहाँ पे आने लगा। हाँ तो ठीक है आप अपना दोबारा स्कैन कीजिए, कहाँ है, हो सकता है सेंट्रली अलाइंड हो रहा हो अपने आप से बिना कुछ करे। मैम आपने फिर डिटेक्ट ठीक नहीं हुआ होगा ना आपका, अब देखो। और जहां पे भी आपका डिटेक्ट होगा ना प्लीज वहां पे ही आपका टेंडर पॉइंट होगा, दबा के हल्का सा प्रेस करके देखिएगा, वहां पे आपकी स्किन हल्की सी पेन कर रही होगी, टेंडर पॉइंट, हाथ लगाती है हल्का पेन आएगा। मैं इसीलिए बोल रही हूँ मैं कि पहले लेफ्ट साइड में पेन हुआ था, ठीक है, मतलब मुझे ऐसे मैंने इधर टच करने लगी तो इधर भी होने लगा, तो ये फिर ज्यादा पेन होने लगा। ज्यादा पेन होने लगा तो जहाँ पे ज्यादा पेन है ना वो टेंडर पॉइंट जो ज्यादा सीवियर है तो वो होगा आपका एपी पॉइंट। चेक करेंगे एक बार किधर है, एक मेरे को ना मैं दो तीन लोगों का कर दिया ना, एक बार थोड़ा सा मुझे हिट कर रहा है, एक मिनट बस थोड़ा सा क्लीन कर लू। वर्तिका जी आपका ना राइट पर है, राइट में अपर साइड ना? हाँ राइट पे अपर साइड है। हाँ ये अभी लेकिन एकदम से शिफ्ट हुआ, लेफ्ट से एकदम राइट गया? नहीं वो होगा वहां पर आपको एकदम से फीलिंग, मतलब वो थोड़ा सा आई। वैसे एक बात बताऊं लोगों के ना दो जगह भी हो सकते हैं प्लीज, अगर अच्छा। आपको दो जैसे आपकी दो जगह आ रही है ना, देखो अब आपका आ गया ये एग्जांपल, दो जगह भी हो सकते हैं तो थोड़ा सा मार्क कर लीजिए, हो सकता है आपके वो ना क्या होता है कई बार हमारा जो एपी पॉइंट डिवाइड हो जाता है, हमें उन दोनों को एक करना होता है, क्योंकि फिर आप ना डुअल बिहेवियर आपका हो जाता है, कभी आप कुछ बिहेव करेंगे कभी आप कुछ बिहेव करेंगे, तो उस सिचुएशन को हमें ठीक करना पड़ता है, राइट? तो अगर आपके दो आ रहे हैं, हाँ डिवाइडेड है क्या? हाँ डिवाइडेड है आपका, आप उसको ठीक कीजिए, मतलब आप उसको नोट कर लीजिए। मैडम मेरा कहाँ पे है, आई एम नॉट गेटिंग इट मैम, मेरे को भी नहीं मिल रहा जी। अच्छे से आप पहले सबसे पहले अपनी हाथ को एनर्जाइज कीजिए, क्योंकि जरूरी है कि आप लोग खुद उसको करें, अगर आप नहीं कर पाएंगे आप दूसरों का कैसे करेंगे, है ना? मैम मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, और बैक में पेन शुरू हुआ है मैम थोड़ा सा। एक मिनट एमी जी बस मैं एक बार रागिनी जी का करा दूं, ठीक है? रागिनी जी अब थोड़ा सा अब स्कैन कीजिए जहां पे आके आप आपका हाथ रुके, मुझे वहां बताओ जहां पे आपको ऐसा लगे एनर्जी से हाथ या तो पीछे धकेल रहा है या फिर आपका हाथ रुक गया। कहीं पता चला आपको? मैम मेरा तो पूरा चेस्ट में ही हो रहा है, मैं मतलब कंफ्यूज हो रही हूँ। कहाँ पर? पूरा चेस्ट में ही मुझे मतलब वो रेजिस्टेंस फील हो रहा है मैम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
लेकिन बैक से ज्यादा, बैक में मेरा राइट साइड में सेंसेशन हो रहा है, लेकिन सामने में पूरा चेस्ट में ही मेरा ये हो रहा है। एक मिनट, आपको थोड़ा राइट साइड में है, आप देखो राइट साइड में ज्यादा आपको थोड़ा सा दर्द हो रहा होगा, हल्का सा। हाँ, बैक में मेरा राइट साइड ही है। राइट में तो इसलिए राइट में ही है, जहाँ पे ज्यादा दर्द होते हैं ना वो होता है। ठीक है, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स एंड वन बाय वन, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। जानवी जी बताइए। मैम रागिनी जी का मैंने स्कैन किया, कहने से जी जी कहाँ पर आया उनका हार्ट? हाँ, ये हार्ट से कहते हैं ना, लेफ्ट यहाँ आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट पे है लेकिन उनका अपर है, अपर आ रहा है उनका। ध्यान से करो, यहाँ ऊपर आ रहा है। जे जब ही आप कर रहे थे, I felt it in the middle of the chest. हाँ, and this fourth finger ना, this was vibrating a lot. Fourth finger. I mean ring finger. आपको relationship issues चल रहे? No, I don't have any relationship issues. आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट साइड है? नो, एब्सोल्युटली नो। ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है आपका डिटेक्ट गलत हो रहा हो ना अभी। आप क्या करते हो रागिनी जी, आप करते क्या हो? आई एम एडमिनिस्ट्रेटर मैडम। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन में। आप हाइपर एक्टिव, मतलब गुस्सा जल्दी आने की टेंडेंसी रहती है आपकी? बहुत हाइपर एक्टिव हूँ मैं, आई एम हाइपर एक्टिव। तो आप ये देखिए राइट हैंड साइड पे आपका इधर पेन कर रहा होगा, राइट हैंड साइड पे, मिडल से राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा हल्का कहीं टेंडर पॉइंट है, यहाँ पे ही है, इट इज हियर इन द मिडल, ये हियर, मिडल से आपका वन फिंगर आगे है ना, यहाँ पे दिस साइड। हाँ ठीक है, आपका ठीक है, राइट में, राइट है ना, यहाँ पे कभी यहाँ शिफ्ट होता है, कभी यहाँ शिफ्ट होता है, बट इट इज हियर, यस राइट में है। तो ये हाइपर एक्टिव, वही ना एंग्री, आपका थोड़ा सा एंग्री साइड ज्यादा है, आप हाइपर एक्टिव हो जाते हैं एकदम से कोई बात होती है तो, वो एक्टिविटी तो आपका यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है। ठीक है, जब कई बार नहीं पता चल पाए कि आपकी एनर्जी से कैसे हो रहा है तो आप एक बार टेंडर पॉइंट भी देख लीजिए, फिर उसके बाद फिर से स्कैन कीजिए, आपको समझ आएगा। मैडम डज दिस पॉइंट चेंजेस? यस, हम भी तो चेंज ही करेंगे, अब हम भी तो चेंज करेंगे, हम उसके एक्चुअल पॉइंट पे लेकर आएंगे ना। ओके राइट, और उसका एक्चुअल पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ द चेस्ट, सेंटर ऑफ द चेस्ट जो आपने डायग्राम में दिखाया है। यस, वहां पर होगा तो आप देखेंगे, आज हम करेंगे तो आपका जो एंगर पॉइंट है वो भी आपका काफी हद तक ठीक हो जाएगा, आप सिचुएशन को इतना हाइपर एक्टिवली नहीं लेंगे, आप उसको समझेंगे और बहुत इजीली आपके लिए सब हो जाएगा मैनेज करना। ओके राइट मैम, डिसीजन के लिए भी बहुत हेल्प होगा मैम? हाँ ऑफ कोर्स, डिसीजन के लिए भी होगा। अलका जी राइट में आ रहा है, आप थोड़ा चेक कर लीजिए। ठीक है अलका जी, राइट में ही है जी जी। आशी जी, आशी जी का तो बहुत ज्यादा बड़ा वार है, क्या बात है आशी जी, इतनी एनर्जी, एक्सरसाइज करके आए हैं क्या करे, मेडिटेशन करके आए हैं? मैं वही कह रही हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है किधर आपका सेंटर में आ रहा है अभी तो। हाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम कुछ भी नहीं लग रही, मतलब हाँ है ही नहीं कोई प्रॉब्लम, एकदम सेंटर में और हाईली एनर्जाइज्ड है, बहुत अच्छा है अभी आपका। ओके थैंक यू मैम। मैम मेरा भी देखो ना प्लीज, मैम मेरा प्लीज चेक कीजिए। आई एम कमिंग, आई एम कमिंग वन बाय वन। तबीशा जी बताइए। मैं ये बोल रही हूँ कि पिछली बार जब मैंने अपना टेंडर पॉइंट देखा था ना, तो प्रेस करने से दर्द हो रहा था। हाँ। तो मैंने तीन चार बार स्कैनिंग की कि भाई सही हूँ नहीं हूँ, तो अब मेरे अपने आप ही पेन वहाँ ऐसा लग रहा है जैसे पिन चुभ रही है एकदम से। हाँ तो आज आप ही दर्द हो रहा है, ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, आप बहुत जल्दी परेशान हो रहे हो। तो नहीं आता, तो नहीं आता, पहले आता था, परेशान हूँ बट गुस्सा नहीं आता। ठीक है, पहले आता था जी। प्रवीण जी हम एक बार चेक करेंगे, मेरा मुझे राइट में फील हो रहा है इस साइड पे यहाँ। ओके हाँ सर, आपका राइट में ही है। प्रवीण जी आपके बहुत सोच विचार चल रहे हैं क्या आपके मन में, किसी चीज को लेकर, कोई बात को लेकर, मतलब थोड़ा सा डिप्रेसिव, डिप्रेसिव स्टेट में है थोड़ा? नहीं, सा नहीं, डिप्रेस नहीं, डिप्रेसिव तो नहीं, बट हाँ मतलब अगर जॉब को लेके बात करें तो कि हाँ
हाँ ऐसे करना डिप्रेसिव भी नहीं समझो कि, लेकिन उसके लिए चिंतित बहुत ज्यादा है। हाँ टेंशन रहती है मैडम, बैंकिंग में हूँ तो टेंशन रहती है। एक्चुअली ना आपका राइट हैंड साइड चेस्ट पे ना काफी फैला हुआ है, उसका एरिया बड़ा है। हाँ काफी बड़ा एरिया रहा है। हाँ उसने बड़ा एरिया ले रखा है, उसको हमें समेटने की जरूरत है, उसको हम लेंगे क्योंकि आपका वही आप बैंकिंग लाइन में है, दिमाग इधर भी है इधर भी है, तो बहुत सारी जगह आपका ना अटेंशन जा रहा है। अच्छा मैम, जो ये एंगर बहुत ज्यादा रहता है, हर छोटी सी बात पे एकदम से पैनिक होके एंगर होना स्टार्ट करता है। राइट हैंड साइड जितना जाएगा उतना ही एंगर आएगा, अभी हमने करा ना आपका राइट हैंड साइड कितना ज्यादा फैला हुआ है, तो आपको एंगर तो इश्यू हो गई होगा। तो अब इसको अगर आप हम करके देखते हैं आपका, हम सेंट्रली अलाएंगे अभी सबको ही करेंगे, तो देखिए आपका बेटर हो जाएगा ये इशू भी। अच्छा एक चीज होता है मैम, ये मेरे हमेशा अगर मैं मिडिल में देखता हूँ यहाँ पर, हाँ मेरे सेंटर में हमेशा कोई कुछ पॉइंट सा लगा रहता है, कंटिन्यूअसली कोई प्रेशर सा कुछ इस तरह से फील होता था, क्या इसकी वजह से होता है? नहीं नहीं सर, वो जो आपका तो आपका अध्यात्म में ज्यादा रुचि है, तो उसके अंदर ना आपका सबकॉन्शियस लेवल की ना कनेक्शन अच्छा है, आप बहुत जल्दी सबकॉन्शियस लेवल पे जा सकते हैं। ओके आपका सोल कनेक्शन, मेडिटेशन तो मैं डेली करता हूँ, वो इसीलिए वो आपका आपका कनेक्शन है, दैट इज अ गेटवे एंड पॉइंट ऑफ एंट्री, तो आप बहुत जल्दी उसके अंदर एंटर कर सकते हैं, वो सेंसिटिव है आपके लिए, बहुत अच्छी बात। नीना जी बताइए मैं आपका ही देखती हूँ। नीना जी आपका सेंट्रल आ रहा है, लेकिन सेंट्रल से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा डिप्रेसिव स्टेज चल रहा है आपका, थोड़ा सा डिप्रेसिव है, देखो सेंट्रल से नीचे आ रहा है। राइट थोड़ा सा राइट सेंटर और नीचे, सेंटर से हल्का सा राइट और नीचे है, वही स्ट्रेस वाली सिचुएशन फिलहाल अभी डिटेक्ट हो रही है। इतना मेजर नहीं है, मतलब आप समझो 10%। बट मैम जैसे मैंने थोड़ा सा स्किन किया ना, तो हल्का सा सेंटर से थोड़ा लेफ्ट में पीछे पेन आया, हल्का सा। देखो पेन आएगा पीछे तो इसका मतलब वो टेढ़ी है, आगे से इधर से जा रही है, राइट से जा रही है, पीछे लेफ्ट पर जाके मतलब वो टेढ़ी आ रही है, तो उसको ऐसे पकड़ के पीछे से लेफ्ट से जो पॉइंट आया और आगे से जो पॉइंट आया उसको हमें सीधा करना है, सेंट्रल लाना है, ठीक है? क्योंकि वो थोड़ा ऊपर होना चाहिए, तो वो जैसे ऊपर हो जाएगा तो वो जो थोड़ा बहुत डिप्रेशन भी बचा ना, उस दिन तो बहुत नीचे था, उस दिन तो बहुत नीचे था, आज तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आपका ना मिड से हल्का सा लेफ्ट है, हल्का सा। ओके तो इसका मतलब होता है कि सेल्फ असर्टिवनेस या फिर मतलब जो मैं कहता हूँ वो बिल्कुल ठीक है अभी फिलहाल ये सिचुएशन है, और जो मतलब फिलहाल आप ना इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ इतने इंट्रोवर्ट हो रहे हैं कि सिर्फ अपने माइंड को भी करेक्ट रख रहे हैं, बाकी आपको थोड़ा सा मतलब अपनी बात को करेक्ट रख रहे हैं, और बाकी वर्ल्ड से आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, बाकी थोड़े से आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, राइट? यू आर नॉट एबल टू गेट टू वे कम्युनिकेशन, आपने अपनी बात तो कह दी लेकिन दूसरे की बात आप नहीं सुन रहे हैं। ओके ये थोड़ी सिचुएशन आ रही है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, तो अगर आप इसको करेक्ट कर देंगे तो आप वो बैलेंस में आ जाओ, बहुत थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है, लाइक 5-7% आ रहा है, बस इतना ही आ रहा है, ठीक है? तो करेक्शन थोड़ी सी हो जाएगी ना, बिल्कुल एकदम सेंट्रल आपको मतलब बहुत बेटर होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी 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 एकदम से कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा, पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? अरे प्रैक्टिस ही होती है भाई, अभी आप सब अपने घर वालों की प्रैक्टिस कर देंगे, सारे रिश्तेदार को फोन करके प्रैक्टिस कर देंगे तो सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है? जी श्वेता जी, मैम मेरे को यहाँ पे पेन आ रहा है, ये बैक में, यहाँ पे राइट में आ रहा है, नहीं लेफ्ट में, लेफ्ट में यहाँ पे, और ऐसे प्रेस करके यहाँ पे। हाँ श्वेता जी, और आपकी थोड़ी एनर्जी भी लो हो रही है, काफी बहुत ज्यादा लो है। देखो एक सफिशिएंट अमाउंट में ना आपको एनर्जी मिल नहीं पा रही है,
तो मैं एडवाइस करूंगी वैसे आपको मेडिटेशन एडवाइस करूंगी, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब ही हो रहा है, हम होता है कि हम इनवाइट करते हैं एनर्जीज को अपनी तरफ, तो यू नीड गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। मैम मेडिटेशन नहीं हो रहा, लास्ट वीक से आपने मेरे को पॉइंट बताया ना, हाँ। तो वो उस वक्त दर्द हुआ, वो काफी टाइम फ्राइडे से था, पर आपका होने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ नेक्स्ट डे कि वो पेन चला गया, ये वाला पूरा रिलीज हो गया था। वेरी गुड, बट स्टिल आफ्टर दैट मैं करने गई तो मेरा लोअर एब्डोमेन स्टिल, मेरा जो एंकल पोर्शन है ना वो एकदम हैवी स्टोन जैसा हो गया। आपको देखो बहुत सारी चीजों की जरूरत है, ग्राउंडिंग की जरूरत है। आप एक काम करो, सुबह सुबह उठ के नंगे पैर धूप में, धूप लो, नंगे पैर चलो घास पे, तो ग्राउंडिंग भी होगा, एनर्जी भी मिलेगी, पंच तत्वों से कनेक्ट करो, ठीक है। तो अगर ग्रास नहीं हुआ तो नॉर्मल फ्लोर पे चलो। नॉर्मल, मैं तो नॉर्मल फ्लोर पे चलूंगा। ओके, गार्डन में मॉर्निंग वॉक विल नॉट, हाँ हाँ मॉर्निंग वॉक ऑन ग्रास एंड जो मिट्टी होती है ना थोड़ी सी ग्राउंड कनेक्शन, मिट्टी तो नहीं है ना मैम, पार्क में जाके कर लो ना थोड़ी देर, खुली मिट्टी से चाहिए आपको कनेक्शन। ओके ठीक है, उससे करो। चेतना जी, मैम मेरे को सेंटर में फील हो रहा है, आप चेक करना मेरा गला खराब है। ओके चेतना जी, आपकी एनर्जी भी लो लग रही है, कुछ लो है हो रही है अभी एनर्जी आपकी? नहीं मैम, ऐसे तो नहीं, बस गला ही खराब है, ऐसे तो नहीं है। तो अपनी अभी एनर्जी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे ना फिलहाल बहुत लो एनर्जी आ रही है, और एपी पॉइंट भी ना अच्छे से डिटेक्ट नहीं हो रहा है आपका, मतलब थोड़ी लो एनर्जी आ रही है, मे बी बीमार पड़ने का थोड़ा सा वो टाइम आ रहा है, तो अपने आपको अच्छा सा हेल्दी रखो, वो एनर्जी लो हो रही है, ठीक है। वैसे सेंटर में ही है, थोड़ा सा राइट साइड में है, सेंटर राइट, ठीक है, इतने डिसलोकेट नहीं है, लोकेशन ठीक है, लेकिन एनर्जी लो है आपकी। जी वर्तिका जी, ये पूछ रही थी कि मैं, जैसे आपने बोला आगे मेरे डिवाइडेड है, टू है, तो बैक में भी वो डिवाइडेड होगा या सिंगल? नॉट नेसेसरी, वो सिंगल भी हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पे आ रहा है मेरा राइट साइड में अपर शोल्डर पे, सही आ रहा है, तो वो एक्चुअली डिवाइडेड नहीं है, वो सिंगल है, आगे फ्रंट में डिवाइडेड हो सकता है। तो उसको इस तरीके से करके मिक्स करेंगे, इंटेंशन नहीं मिक्स नहीं करेंगे, इधर से भी सेंटर में लाएंगे, उधर से भी सेंटर में लाएंगे। अच्छा, नहीं जैसे ब्रेक हो गई है ना कोई चीज, तो हर मतलब चीज को सेंटर में ले आएंगे तो सारी वो जुड़ जाएंगी, तो सेंटर पॉइंट तो एग्जैक्ट ये चीज हुई ना हमारी, दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ, नहीं थोड़े से ऊपर, हाँ ये है। अच्छा, तो इसी के जरा सा ऊपर लेफ्ट और राइट में डिवाइड है, और पीछे भी मेरा उसी जगह जो राइट में है उसी जगह पीछे है शोल्डर पे, तो आप बस उसको लोकेशन ठीक लाएंगे एक साथ पकड़ के। जी डॉक्टर रोनल, डिटेक्ट कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। डॉक्टर रोनल आपकी एनर्जी बहुत क्लीन एंड क्लियर है, बहुत क्लीन एनर्जी है आपकी। आपका आ रहा है लेकिन थोड़ा सा ना लेफ्ट में आ रहा है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट साइड आ रहा है आपका, कुछ ऐसा हो रहा है मैम, अपने भी ज्यादा कुछ मैम इश्यूज आ रहे हैं घर पे। जी जी, तो वो थोड़ा सा वही डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है, बट ज्यादा मेजर नहीं है, थोड़ा है, बट वो आपने ज्यादा उसको ओवर ले रखा है तो इस टाइप से आ रहा है मुझे, तो अदरवाइज आपकी एनर्जी सुपर क्लीन आ रही है, बस सिर्फ यही इसी की डिसलोकेशन है। अच्छा, और मैम बैक से? बैक से आप प्रेस करके देखिए, आपको सेंटर में आ रहा है, एकदम सेंटर में आ रहा है बैक से, तो ठीक है, बैक से ठीक आ रहा है। अच्छा, फ्रंट से थोड़ा सा लेफ्ट में है और वो इंट्रोवर्ट की तरफ जा रहा है। राइट राइट जी, ठीक, थैंक यू। ओके डॉक्टर पंकज शर्मा जी, मैं आप सब लोग भी ना एक दूसरे का स्कैन करते रहिए, आप लोगों को प्रैक्टिस ही होगी, आपको प्रैक्टिस चाहिए ना, जैसे मैं स्कैन कर रही हूँ, देखिए कि आपके वो मिल रहा है लोकेशन या नहीं मिल रहा, सबकी प्रैक्टिस होगी। जी पंकज जी, हाँ मैं ये कह रही हूँ, मैं आप ये क्रिस्टल क्लास ले रही हूँ, मेरा कुछ ना कुछ बॉडी में आ ही रहा है। क्या सेकंड क्लास लिया तो बीपी लो हो गया था क्लास लेते लेते ही। अच्छा अच्छा, फिर हेडेक हो जाता है, वो हो जाता है, तो ये क्या रीजन है? मे भी कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो हो सकता है आपको रोक रही हूँ करने के लिए, बट जस्ट मैं क्रिस्टल भी पास में लेके नहीं बैठी हूँ, हमेशा क्रिस्टल पास में लेके बैठती हूँ, आज तो मैंने लिया ही नहीं, मैंने कहा पता नहीं इसको लेके बैठना, मे बी सम एनर्जीज डोंट वांट यू टू एक्सेल। मैं बीच में स्टॉप कर रही हूं, क्या थॉट तक भी जा सकता है क्या एपी पॉइंट? बिल्कुल जा सकता है। पंकज जी का चेक करिए एक बार। यस, पंकज जी का एग्जैक्टली थ्रोट पर है।
तो आपका हाइपर, आपको बीपी हाई हो रहा है बेसिकली पंकज जी? नहीं हाई तो नहीं है, अभी तो बहुत हाइपर आ रहा है, आपकी एनर्जी ना बहुत हाइपर आ रही है, आप सेंसिटिव हैं बेसिकली, आप बहुत जल्दी ना एब्जॉर्ब कर लेती हैं चीजें, तो अच्छी आप हीलर बन सकती हैं, हो सकता है अच्छी हीलर हैं आप, लेकिन जो अभी एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी है ना, अपने आपको प्रोटेक्टेड रखिए, आप अपने प्रोटेक्शन नहीं बना रही है, मुझे बहुत सारी एनर्जी इंटरफेयर कर रही है मैम, उनसे मुझे कुछ गूज़बम्स आए मैम, मतलब हिट हो रहा, इन्होंने ना अपने आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रखा, आपके आसपास की एनर्जीज ना आपको इंटरफेयर कर रही है, सिर्फ अगर आप प्रोटेक्ट करके बैठोगे ना तो बेटर है। सही कह रहे रंगनाथ, मैं इनका बैक का जब स्कैन करने लगी ना, मुझे गूज़बम्स आने लगे, हॉट का तो बहुत ही क्लियर मुझे आगे टेंडर पॉइंट आने लगा और बैक में गूज़पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली पंकज जी आप ना थोड़ा सा थोड़े दिन सॉल्ट वाटर से नहाइए, ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग सब लोग ना जैसे प्रोटेक्शन लेना भूल जाते हैं, तो रोज सॉल्ट वाटर बात करेंगे तो आपकी प्रोटेक्शन ना ओरिजिनली रहेगी, ठीक है। साइकिक सॉल्ट वगैरह होते हैं उनसे बात लीजिए, आपके कैसे मतलब अगर हम भूल भी जाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक वो कंडीशन रहेगी। जी मैम मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ, जैसे मैं बात ले थी तो मेरे वॉशरूम में मैंने वो रख रखा है कैम्फर ऑयल रख रखा है, कि दो ड्रॉप डाल देती हूँ तो मुझे वो ठीक लगता है, बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है उससे काफी हद तक रिलीफ रहता है। राइट राइट, यू कैन डू एनीथिंग, आप जिससे एसोसिएट करते हैं आराम से कर सकते हैं, कैम्फर ऑयल लेवेंडर ऑयल दोनों की काम करते हैं काफी अच्छे। तो मैम क्या उसके पहले ये नमक का यूज करना, साल्ट का यूज करना जरूरी होता है या डायरेक्ट उससे करते हैं तो भी ठीक है? देखिए सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, अगर आप कैम्फर ऑयल से अच्छा लग रहा है तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नमक क्या होता है एक हम जिस जनरली कहते हैं, कहते नहीं है, मैंने भी ऑब्जर्व किया है हम कि मैं यूज करती हूँ डेली, जब से सॉल्ट से करा है तब से ना काफी प्रोटेक्शन अच्छी है, अगर मैं डेली भी अपनी प्रोटेक्शन रिचुअल नहीं करती तो आई एम रियली प्रोटेक्टेड, तब से मेरे साथ मिस हैपनिंग टच वुड होनी बंद हो गई है। मैं क्या करती हूँ ना, वीक में 2 डेज नमक का जरूर ले लेती हूँ, उसके बाद में बाकी रेगुलर डेज। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ऐसे मैं कर रही हूँ मैम, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जिससे उसको अपने आप को एसोसिएट करते हो बिल्कुल आराम से करिए। जैसे सर ने बताया था कि वेडनेसडे एंड सैटरडे 2 दिन नमक का ये साल्ट वाटर बाथ लेना अच्छा होता है, तो मैं 2 दिन ये लेती हूँ, बाकी अदर डेज में वो अभी देखिए अभी पंकज जी और सब हील कर, अपने आप को हील करेंगे ना पंकज जी, हमें तो कर दीजिए जो हम इनकी एनर्जी हमारी बॉडी में गई है, आप सब ग्राउंड करिए, ग्राउंडिंग हो जाएगी, सब ग्राउंड के अंदर भेज दीजिए, और पंकज जी और आप सब लोग जब कर लेंगे ना फिर दोबारा पंकज जी का करिएगा, देखिएगा सबसे अच्छा पंकज जी का हुआ है, क्योंकि आप सब लोगों की एनर्जी उनके साथ है। मैं अभी हीलिंग कराइए थोड़ा अच्छा है। चलिए ठीक है अब हीलिंग शुरू करते हैं, अब हम क्या करेंगे, आप सबको पता चल गया ना कहाँ कहाँ है आपके एपी पॉइंट? मैम मेरा बाकी एक बार देख लीजिए ना। हाँ कौन जी का बाकी? कितना जी कौन? अच्छा अमी बोल रही हूं। अमी जी एक मिनट दिखाइए, अमी जी आपका भी ना गले के पास आ रहा है, गले के पास है, ऊपर और ऊपर, आपकी आवाज नहीं आ रही अमी जी। मैं मुझे चेस्ट से यहाँ पे सेंटर से थोड़ा लेफ्ट साइड फील हुआ था और पूरे बैक में पीछे मिडल ऑफ द बैक पेन पूरा मुझे उस टाइम पे फील हुआ था। अमी जी आपका ना जैसे सेंटर से जो मुझे आ रहा है ना ऊपर की तरफ आ रहा है, ये ऊपर आ रहे हैं। हाँ ये आ रहा, ये पॉइंट आ रहे हैं। ओके चलो कोई बात नहीं, हम लोग जब स्कैन करते हैं तो हम लोग कैसे ऐसे स्कैन करें या ऐसे ऐसे करें, कैसे भी करो एनीथिंग, ये आपका आपके हाथ की मूवमेंट है, ठीक है आपको पता चल जाएगा, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, जब आपको एक बार पॉइंट लोकेट हो जाता है ना तो आप उसको प्रेस करके देखते हो तो पीछे फिर पॉइंट फील होता है। जी ठीक है, मतलब मैम जब हम स्कैन करेंगे तो हमको वो, जैसे मैंने अभी आंख बंद की थी तो मुझे एक जगह पे वो स्पॉट दिखा था ब्लैक स्पॉट जैसा दिखता है, तो वो हमको देखना है? देखना नहीं है फील करना है आपको, वो ब्लैक स्पॉट होता ही नहीं है, दैट इज द गोल्डन एनर्जी होती है, वो लाइफ फोर्स जो आपके अंदर जा रहा होता है, दैट इज अ मतलब मुझे मैंने जैसे इंटेंशन डाला कि मुझे एपी पॉइंट मेरा कहाँ पे है तो वो मैम मुझे फिर यहाँ पे एक ऐसे दिखा एक जगह पे। ठीक है वो आपका स्टाइल है उसको स्कैन करने का, ठीक है मैम वो ही पूछ रही थी कि कैसे स्कैन करेंगे कैसे पता चलेगा? स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, आपको एनर्जी की जो जिस चीज की इंटेंशन डाली है ना वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फील होने लगती है, आपको वो चीज वहाँ पे फील होने लगती है, ठीक है तो वो सबके अपना अपना स्टाइल होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर स्टाइल नहीं है। अच्छा वहाँ पे जैसे कुछ एनर्जी जैसा फील होता है?
आप सबके स्टाइल बिल्कुल ठीक है। चलिए अब हम इसको करते हैं हील। अब मैम आपने जैसे रोनल जी को बोले अभी कि उनका मतलब फ्रंट से भी चेक किए और बैक से भी चेक किए, तो मैम हम लोगों को भी पूरा मतलब बोथ ऑफ साइड से करना है या फिर सामने से करने से बैक का फीलिंग होगा? बैक का फीलिंग होता है, मैं तो बस वैसे ही करती हूँ, लेकिन सामने से करते ना तो एकदम से बैक का फीलिंग होता है क्योंकि वो पॉइंट फिर पीछे की तरफ पुल होता है ना, तो हमें पता चल जाता है कहाँ सेंसेशन हो रहा है। क्योंकि लास्ट दिन भी आप वही बोले थे कि सामने से स्कैन करें तो पीछे में हो रहा था। हाँ। वो मुझे भी पीछे ही हुआ मैम। देखो पीछे हो रहा है अब आपको तभी तुलिका जी। हाँ मैम मेरा तो तब से पूरा बैक पूरा बैक पूरा हो रहा है, राइट साइड सेंटर से लीजिएगा फिर। ठीक है अब हम करते हैं, अब देखो अब क्या तरीका है। अब सब लोग एकदम ना सीधे बैठिए, ठीक मैं आपको इसका तरीका बता रही हूँ। पहले मैं एक बार देखिए, ये सारे टूल्स होते हैं टाइप ऑफ टूल्स, ये टूल्स है जो हमारे पास जो वॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो वॉन्ड्स है या तो आप ये यूज करेंगे या फिर अगर आप जैसे हम मोस्टली आपके पास होंगे, मैंने शिव शक्ति वॉन्ड सबको दे रखे हैं, या फिर आपके पास अच्छा जो प्राणी कीलिंग का जैसे वॉन्ड होता है वो है, या फिर एक मैं अपना वॉन्ड निकाल लेती हूँ, आपके पास ये है लेमुरियन है, लेमुरियन और इस टाइप का वॉन्ड सबसे अच्छी चीज होती है हील करने के लिए। जब लेमुरियन में बहुत ज्यादा शक्ति होती है और इस वॉन्ड में भी, बिकॉज दिस इज 32 फेसेस वाला, तो इसके अंदर भी बहुत ज्यादा शक्ति है। अब इसका रूल होता है हमें कौन सा क्रिस्टल लेना है इसको करने के लिए। उस क्रिस्टल के अंदर तीन ये जो फेजेस देख रहे हैं, ऐसे तीन फेजेस बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए। तो इसके अंदर तो 32 फेसेस है जो मैंने आप सबको लेमुरियन दिया, उसके अंदर मिनिमम 3 फेसेस है ही, इधर से 3 फेसेस है ही, ठीक है। और जो पीछे से उसका जो बैक होना चाहिए, जैसे लेमुरियन का हमारा बैक होता है, देखिए रॉ बैक है ना, तो ये भी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करेगा। इससे बेसिकली ये टू वे काम करता है, कोई भी क्रिस्टल, क्रिस्टल से हम कहेंगे कि यहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करके इधर डालें या फिर यहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करके पीछे की तरफ डालें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा वॉन्ड है उसका जो बैक है वो रखेंगे अपने एपी पॉइंट की तरफ। सपोज मेरा एपी पॉइंट इधर है तो अपना बैक में ऐसे रखूंगी और ये जो फ्रंट है वो आगे ऐसे जाएगा। तो बेसिकली क्रिस्टल क्या कर रहा है, यहां से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और वो पीछे इसको होल्ड कर रहा है, एपी पॉइंट को होल्ड कर रहा है, ठीक है। मैम एपी पॉइंट का मतलब जो हमारा ट्रिगर पॉइंट है वो। हाँ, जो ट्रिगर पॉइंट है आपका, ठीक है। अब आपको विजुलाइज करना है कि इस अभी तो आप अपने इससे कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट को ऐसे विजुलाइज करें कि आपने आगे इसको पकड़ रखा है और पीछे अगर आपका टेढ़ा है तो उसी अलाइनमेंट में पकड़िएगा, तो जिससे आपको स्ट्रेट करना है। अगर आपका अलाइन जैसे टेढ़ा है कि पीछे का ऊपर या नीचे कहीं भी पॉइंट है, वैसे ही पकड़िएगा इसे, ठीक है। तो इसकी पोजीशन सबको क्लियर हो गई कि जो इसका बैक है वो हमारे पीछे की तरफ आएगा और ये जो पॉइंटेड है वो आगे आएगा। ये इसका पकड़ने का तरीका होता है।